समझ को कौन सी इमाम की तकलीर आप करते हैं, आप कौन से इमाम की तकलीर करते हैं? सवाल, हाँ इसका जवाब आप दो। यही सवाल है ना, ये मतलब सवाल मैं यही चाह रहा हूँ, आप पहले सवाल पूरा कर लो, फिर मैं बात बोलूँगा तो फिर आप बोलेंगे नहीं, फिर मैं सीधा जवाब दूंगा। मेरे आपके जवाब के बाद फिर मेरे वैसे सवाल आ, तो कर लो ना सवाल, मैं एक साथ जवाब दूंगा, कर लो जो सवाल करने कर लो, फिर मैं एक साथ बोलता हूँ। चलो पहला सवाल मैंने आपका समझ लिया, आप किस इमाम की तरफ करा सकते हैं, आप किस इमाम की तरफ, चलो ठीक बराबर है। फिर आप अकीदा आपका क्या है, किस किस पर अकीदा, किस बारे में, कहाँ से मतलब, किस बारे में, कहाँ आपका अमल कहाँ से मतलब, किस बारे में, यानी ये पूछना चाहते हैं ना कि तुम्हारा अमल कुरान हदीस पे या किसी और पर। आप कुरान और हदीस से ही मसले लेते हैं या कुरान हदीस आने के बाद आप किसी की बात को छोड़ देते हैं? बराबर ठीक है ना, मतलब ये है जो तकलीद, अगर तकलीद है, जहाँ तकलीद है वहाँ इतबा नहीं है, जहाँ इतबा है वहाँ तकलीद नहीं है, ये मेरी बराबर है, सही है, जो भी है आप जवाब दीजिए, तकलीद नहीं है। इतबा और तकलीद में फ़र्क बता देंगे? बराबर है, आपने इतबा और तकलीद में क्या फ़र्क समझा है बताएँ? इतबा ये है कि हमको अल्लाह के रसूल की इतबा करनी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की दाद करो, अल्लाह के रसूल की दाद करो, बराबर है। और तकलीद की डेफिनेशन आप देंगे, आप क्या समझे? हाँ मैं डेफिनेशन बराबर ऐसा तकलीद, भाई मैं ये समझता हूँ कि तकलीद को हमको कहते हैं, तकलीद को कहते हैं कि भाई कि किसी की भी बात पर आँख बंद करके भरोसा करना, उसका नाम आप ये उसको कहते हैं तकलीद करना, कि भाई अगर अल्लाह के रसूल की बात आए या कुरान की बात आए पढ़ने की बात आए, लेकिन अगर हमारे इमाम की बात आ गई तो हम हमारे इमाम की ही बात मानेंगे, हम कुरान रसूल की बात नहीं मानेंगे, इसको कहते हैं तकलीद करना। हाँ यानी आप ये अगर हमारे मसलक की बात आया इसी तरह से बराबर है, ठीक है। देखो क्या नाम बताया आपने? फिरोज भाई। फिरोज भाई आपके दो सवाल हो, समझ गया। पहला सवाल आपका ये है कि आप इमाम मतलब किसकी तकलीद करते हैं, दूसरा सवाल ये है कि भाई आप कुरान हदीस पर अमल करते हैं या किसी और चीज़ पर, यानी कुरान हदीस पर अगर अमल करते हैं तो किस तरह, किस तरह से, ठीक है। मैं दोनों सवाल को समझा देता हूँ आपको। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हे ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं, फुकहा और उमरा हैं, उनकी इताअत करो। बस अगर तुम्हारे दरमियान कोई मसला इख्तिलाफ भी हो जाए तो उसे अल्लाह रसूल की तरफ लौटा दो, अगर तुम आखिरत के दिन पर अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत करीमा की रोशनी में किताब व सुन्नत के असल जो हमारा, देखो मैं आप दूसरे सवाल पा रहा हूँ, हमारा जो बुनियादी माखज़ हैं, हम किस पे अमल करते हैं? कुरान और हदीस पे ही अमल करते हैं, हमारा अमल है हम कुरान हदीस पे ही अमल करते हैं। और खुद अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत, तो अल्लाह रसूल की इताअत ये हमारा माखज़ है। तीसरा हुक्म भी अल्लाह ही फरमाते हैं उलुल अम्र की इताअत, तो इससे मैं अब आपको समझाऊंगा कि कुरान और हदीस से जो मसले निकलते हैं वो दो तरह के निकलते हैं। एक मसले वो होते हैं जो वाज़े होते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं होता, कोई तआरुज़ नहीं होता, किसी के पास हमको समझने की ज़रूरत नहीं होती, भाई दिन में कितनी नमाज़ फ़र्ज है, साल में कितने रोज़े हैं, ज़कात किस पे, हज किस पे, ये सब कुरान हदीस में साफ सचोट है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये वाज़े मसाइल में हम भी किसी की तकलीद नहीं करते, हम भी मुकल्लिद नहीं हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह रसूल की बात मानते हैं, जैसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वह उलिल अम्री मिनकुम, तुम में जो माहिर शरीयत हैं, उलुल अम्र हैं, उनकी इताअत। आयत का तर्जमा क्या करूँगे, आगे अतीउल्लाह का लफ्ज़ है और यही सब पे फिट हो रहा है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलुल अम्र की इताअत। अब ये उलुल अम्र की इताअत हम कब करते हैं और कब करनी चाहिए, तो कुरान और हदीस के दूसरी किस्म के जो मसाइल हैं जिसको कहते हैं गैरवाज़े। मिसाल के तौर पर मैं चंद किस्में आपको बताता हूँ। एक किस्म है मसाइल गैर मनसूसा, यानी मसला तो जो मसला हमको पेश आया है वो नाम के साथ कुरान में या हदीस में मौजूद नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई शराब का हुक्म कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, या यो लदी नाम नो, या यो लदी नाम नो इनमल खमर वल मैसिर वल अनसाब, कि अल्लाह ताला ने ये क्या नजिस रखा है, हराम है। अब देखो हमारे ज़माने में ब्राउन शुगर चलता है, अब हम देखने जाएं कि भाई ब्राउन शुगर हमारे लिए हलाल है या हराम, तो हमको कुरान में ये लफ्ज़ नहीं मिलता,
हमको हदीस में लफ्ज नहीं मिलता, तो ये मसला तो है नस में लेकिन वाज़े नहीं है, नाम के साथ वाज़े नहीं है। तो अब इस मसले को कुरान और हदीस की गहराई से निकालेगा कौन? काम कहते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया है उलिल अम्र मिनकुम, ऐसे मसाइल में तुम उलिल अम्र की इताअत करो, यानी जो फकीह होगा तो कुरान और हदीस की गहराई से मसला निकालेगा, बाकी के लोग उस पर अमल करें। इसी तरह दूसरी मिसाल, दूसरी किस्म है मसाइल मनसूसा मुकारदा, के मसला तो नस में हो कुरान में या हदीस में उसका जिक्र तो हो लेकिन कुरान की आयतों में या हदीसों में तआरुज़ हो। तो मुझे मेरी बात पूरी हुई ना, फिर बोलो बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाएगी। क्या बोलिए इसी के लिए इशारा की बात है, तो अल्लाह के रसूल ने हर नशे की चीज़ को आराम करा ना, तो अगर नशे की चीज़ है तो उसमें आ जाएगी ना। कैसे आ जाएगी ये चीज़ें? नशे की चीज़ में अगर नशा करते अफीम है रूपी बराबर है जरा से बड़ा तम्बाकू जो भी चीज़ है, अगर वो नशे की चीज़ है तो नशे की चीज़ को अल्लाह के रसूल ने मतलब आराम करा। ठीक है, नशे की चीज़ें अब नशे में आ जाएगी। आप मुझे बताइए, आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं नमक वाला खाना खाते हैं, नमक बगैर का नमक वाला, नमक आपका नशा हो गया। अगर आपके खाने में नमक नहीं डलता तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो क्या नमक हराम? ये नशा हो गया है। अल्लाह ताला ने एक चीज, अगर अल्लाह ताला ने क्या कहा शराब के बारे में कि जब तुम नशे की हालत में ना हो तो नमाज के करीब मत जाओ जब तक इतना होश ना हो कि जो बोलो समझो। अगर मुझे नमक का नशा है तो नमक खाने से मैं ऐसा कभी नहीं होता कि तुम ये बोल रहा हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पे अब आपने नशे की वजाहत की, अब आपने नशे की वजाहत की कि नशे से मुराद ऐसा नशा है, नशे से मुराद ऐसा नशा है जो इंसान की अकल को ख़त्म कर दे, ऐसा नशा है तो हराम है। ठीक है, अगर ये नशा किसी भी चीज़ में मिलेगा तो हराम। चलो आपको ब्राउन शुगर की मिसाल का भी हम लंबी तफसीर में उसमें चले जाएंगे, उसको साइड करता हूँ, मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। हदीस पाक में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जब तुम्हारे किसी पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसको डुबो दो और निकाल दो, क्यों? कि उसके एक पर में शिफा एक पर में बीमारी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि किसी के खाने में मच्छर गिर गया पानी में, अब वो क्या करे? न मसला कुरान में मच्छर के नाम के साथ मिलता है, न हदीस में मिलता है, तो वो क्या करे? यह हुआ मसाइल मनसूसा गैर मसाइल गैर मनसूसा, मसले का जिक्र कुरान हदीस में नाम के साथ ना हो। चलो हम शराब वाली मिसाल को साइड कर देते हैं, ये मच्छर वाली मिसाल को आ जाओ, अब मसला कैसे निकाले? तो हम कहते हैं भाई कि जो उलुल अम्र है, यानी सारे मुसलमान को अल्लाह ने यह हक नहीं दिया, जो माहिर शरीयत है जो फकीह है कुरान हदीस के माहिरीन है वो मसला निकालें, और वो भी मसला कुरान हदीस से निकालेंगे, अपने ज़ात से नहीं निकालेंगे, और बाकी के लोग उस पर अमल करेंगे। दूसरी किस्म है मसाया मसला तो नस में कुरान की आयत हदीस में हो लेकिन तआरुज़ हो, जैसे कि कुरान में ना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भाई किसी औरत का खाविन शोहर मर जावे तो वो अपने आप को एक साल तक रोके रखे, एक साल तक। और कुरान की आयत में दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी का खाविन मर जावे तो वो 4 महीने 10 दिन तक रोके रखे। अब देखो मसला कुरान में मौजूद है लेकिन तआरुज़ है दो आयतों में, अब इस तआरुज़ को दूर कौन करेगा? क्या ये हक अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को दे दिया है या एक खास तबके को? कुरान कहता है वलील अम्र मिनकुम, ये किताब तुमको यहाँ उलूल अम्र की किताब पूरे इस्लाम में हम नहीं करते, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इताअत है, समझ में आया मसला? इसी तरह तीसरा मसला है कि भाई मसला तो कुरान हदीस में हो लेकिन उसमें कुछ इजमाल हो, जैसे कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं यादीनाजुआ कि जब तुम नमाज के लिए खड़ो हो तो अपने चेहरे को दो, हाथ को दो, मसा करो। अब तो क्या लफ्ज़ है वमसहू बिरुसिकुम, अपने सर का मसा करो लेकिन कितना करो? अब इसका हमको तफसीली डिटेल हदीस में भी नहीं मिलती कि भाई कितना करो, कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से। अब देखो ये जहाँ इजमाल होगा वहाँ उलुल अम्र जो माहिर शरीयत होंगे कुरान हदीस के माहिरीन इस इजमाल को दूर करेंगे, बाकी के लोग उसको मानेंगे। इसके अलावा और एक किस्म के मसाइल है जिसको बोलते हैं कि मसला तो मौजूद हो कुरान हदीस में लेकिन उसके लफ्ज़ के दो माने निकलते हैं, जैसे कुरान में वल मुतल्लक़ात यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्न सलासत फ़ुरूज़, कि भाई जिन औरत को तलाक़ें पड़ती हैं वो 3 फुरूज़ तक अपने आप को इद्दत में रोके। अब फुरूज़ का क्या माना? तो सारे जो लुगत के माहिरीन हैं डिक्शनरी में वो कहते हैं कि इसके दो माने होते हैं, एक पाकी भी होता है एक नापाकी भी होता है। अब ये जो अगर इस तरह का मामला मसाइल पेश आ जाएंगे तो उलझन कौन दूर करेगा? ये मुश्तैदी उलुल अम्र। इसी तरह मसला तो कुरान हदीस में मौजूद हो लेकिन ये मसला फ़र्ज़ हैं, ये वाजिब हैं, ये सुन्नत मौक़दा है, ये गैर मौक़दा है, ये कौन तय करेगा? हम कहते हैं ये सारा का सारा तय किया हुआ अल्लाह रसूल का, यानी कुरान और हदीस में लिखा हुआ नहीं किसी मसले के आगे कि ये फ़र्ज़ है वाजिब है सुन्नत, ये उलुल अम्र तय करेंगे। तो देखो हमारा अमल कुरान हदीस में है
जो मसाइल वाजे हैं वहाँ डायरेक्ट हम अल्लाह रसूल की बात पर अमल करते हैं, जो मसाइल गैर वाजे हैं वहाँ जो कुरान हदीस के माहिरीन हैं मुश्तहिदीन हैं उनकी वो बात पर हम अमल करते हैं जो कुरान हदीस के मुताबिक है। ये आपके दूसरे सवाल का सवाल हुआ, जवाब हुआ। अब क्या हम किसकी तकलीफ करते हैं? तो हम इश्तिहादी मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इश्तिहादी मसाइल जो मैंने अभी पाँच किस्में गिनवा दी, ये है इश्तिहादी मसाइल। हम इन इश्तिहादी मसाइल में इमाम साहब ने जो मसले कुरान हदीस से निकाले उस पर हम अमल करें। अब एक सवाल मैं आपसे कहूँगा, आपने कहा कि तकलीद और इत्तिबा दोनों में फ़र्क है, तकलीद और इत्तिबा दोनों में फ़र्क है। और आपने ये कहा कि तकलीद मैं ये समझता हूँ कि आँखें बंद करके मान लेने का नाम तकलीद है, हमारे नज़दीक ऐसा इसका माना तकलीद नहीं है। ये भी होता सुन, अगर आपने सुना हो तो ये मैं खुलासा कर दूँ, हम आँखें बंद करके मान लेने के नाम को तकलीद नहीं समझते। हमारे नज़दीक तकलीद का मफहूम है किसी माहिर शरीयत की वो बात लेना जो किताब व सुन्नत के मुताबिक। ये हो गई बात। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होगा जो मैंने भाई को भी बताया था कि चलो हम तो इन पांच किस्म की मसाइल में गैर वाज़े मसाइल में मुश्तहिद की उलूल अमर की पैरवी कर लेते हैं, जमात अहले हदीस के लोग क्या करते हैं? आपको बताना पड़ेगा ना, ये जानकारी के लिए जानकारी का मतलब ये है कि कोई कोई बात अपने आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात सुनता हूँ, मैं सब बात सुनूंगा, मैं बिंदास हूं। आप अगर जवाब नहीं भी दोगे तब भी मैं कोई बुरा नहीं समझूंगा। देखो आप एक आम साथी, चलो मैं आलिम हूँ, ये बात जितने बैठे मैं भी समझ सकती हूँ। एक आम साथी को दिन के सब मसाइल का इल्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात आम है कि भाई जो भी बंदा अहले हदीस बनता है ना, वो क्या बोलता है, मैं अहले हदीस क्यों बना भाई, मैं तहकीक करके बना, मैंने सब चीज़ की तहकीक की फिर बना। तो अब ये चीज़ भी लोगों के सामने आनी चाहिए कि भाई इस बात की भी तहकीक की कि हम इन ऊँची ये इश्तियादी मसाइल में अपने जो मस्जिद के अहले हदीस की मस्जिदों के इमाम हैं इनकी बात मानते हैं या हमारा अमल कुरान हदीस को होता है। अब जैसे कि मैंने साफ बोल दिया हम इन इश्तियादी मसाइल में उलूल अमर की बात मानते हैं, वो बात जो कुरान हदीस के मुताबिक, तो जाहिर सी बात है मसला तो इनको भी निकालना पड़ेगा इन इश्तियादी मसाइल में। तो वहाँ पर हर मुसलमान तो निकाल नहीं सकता, तो इनमें भी कोई ना कोई निकालता होगा। तो वहाँ आप अहले हदीस लोग क्या करते हैं ऐसे मसाइल में? मेरा दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है भाई, क्या चलो यानी आप जो आपके जहन में नहीं है, आपकी बात नहीं बैठी मेरे मगज में, सवाल नहीं समझ में आया आपको। मेरी जो समझाऊं जो मेरे सवाल आ रहा हो तो पहले सुन लो। चलो आप लाइन से बात करोगे, मेरा जो आ रहा है वो निकल जाएगा। चलो ठीक है।